दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक और संजू को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, बीच मैदान में संजू सैमसन से लड़ पड़े थे हार्दिक पांड्या, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा विवाद देखकर दहल उठा पूरा क्रिकेट जगत। आखिर क्या थी वो घटना जब घमंड में चूर हार्दिक ने संजू से उलझने की गलती कर दी और संजू ने कैसे अपने बल्ले से मुंह तोड़े जवाब देकर हार्दिक की कर दी बोलती बंद। उस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राजस्थान और गुजरात के बीच कांटे का मुकाबला देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत उत्साहित था। इस मुकाबले की शुरुआत हुई कुछ ऐसी ही थी, जहां जॉस बटलर ने हार्दिक का स्वागत दो चौकों से किया था, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए अगली ही गेंद पर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी थी। दूसरे ओवर में ही रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। उनके आउट होने के बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी में आए थे, लेकिन संजू और हार्दिक के बीच कुछ ऐसा हो जाएगा इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। जो यहाँ आपको बता दें, घमंड में चूर हार्दिक पांड्या का खुद पर कॉन्फिडेंस तो देखते ही बनता था। बटलर का विकेट चटकाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो सैमसन को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने एक बार फिर संजू सैमसन को उकसाना चाहा और अपनी हरकतों से उन्होंने संजू सैमसन को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तो पूरा स्टेडियम हैरान था। पहले भी हार्दिक पांड्या ऐसा कर चुके हैं और पिछली बार तो संजू सैमसन ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार भी संजू सैमसन को हार्दिक की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वो हार्दिक से खुश नहीं है, लेकिन इस खिलाड़ी ने मुंह से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देना जरूरी समझा। जी हाँ, जैसे ही हार्दिक पांड्या दोबारा गेंदबाजी में वापस आते हैं, संजू सैमसन ने उनका स्वागत ही खतरनाक चौके से कर दिया था। ये देखकर ही हार्दिक पांड्या हैरान हो गए थे, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर संजू ने अपने पुल शॉट का नजारा दिखाते हुए इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जाकर गिरती है, और इसे देखकर तो हार्दिक के भी पसीने छूट गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं पूरे गुजरात के खेमे में मातम का माहौल छा गया था। तो दोस्तों, संजू सैमसन ने हार्दिक पांड्या से अपनी बेइज्जती का बखूबी बदला लेते हुए इस खिलाड़ी की बोलती बंद कर दी थी, तो वहीं हार्दिक को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि संजू से उलझना उनकी बहुत बड़ी भूल थी और एक बार फिर संजू सैमसन उन पर भारी पड़ गए। वैसे आपको क्या लगता है, संजू और हार्दिक में कौन अपनी टीम को IPL 2023 का चैंपियन बना पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।